हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ साबूदाने के अप्पे शेयर करने जा रही हूँ। बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं और इसे आप व्रत में भी बना सकती हैं। सिर्फ इसमें आप प्याज नहीं डालिएगा तो बड़े ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है और एक आलू को मैंने मैश करके रखा है। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक प्याज को मैंने महीन काटा और मिर्ची, ये अजवाइन, नमक और ये धनिया की पत्ती। सबसे पहले मैं ये साबूदाने को थोड़ा सा भून लूंगी क्योंकि मुझे इसे पीसना है। तो क्या होता है ना, साबूदाने में जनरली क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं, तो उसको थोड़ी सी भून लेने के बाद जब हम पीसेंगे तो काफ़ी महीन पीसेगी। तो मैं इसे थोड़ा भून लेती हूँ। ये साबूदानों को मैंने भून लिया है। ये 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये क्या होती है, ये चटकने लगती है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, देखिए इस टाइप से। तो ये भून गई है। अब मैं इसे ठंडा होने पर महीन, काफ़ी महीन, एकदम महीन करके इसे पीस लेती हूँ। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी क्योंकि साबूदाने एक्चुअली फूलते हैं। ये इस तरह से मैंने पानी मिला के इसे इस तरह से कर दिया। अभी मैं अब इसमें ये आलू मैश जो किया हुआ है उसे डाल दूँगी और मैंने जो मसाले रखे हैं सब मिक्स कर दूंगी। प्याज डाल दूंगी, ये मैंने अजवाइन कटे हुए प्याज, थोड़ी सी धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स डाला है, ज़्यादा नहीं डालनी है, और ये कटी हुई धनिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँ। ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसमें पानी डाला है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, इस टाइप से इसे थोड़ी 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 पानी डाल के अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। चूँकि साबूदाना जो है पानी को सोखता है, फिर मैं उसे देखती हूँ 5 मिनट के बाद कि इसकी कैसी रहती है। इसकी डोब को ज़्यादा गीली नहीं करनी है। ये 5 मिनट हो गए। अब मैं इसे अप्पे स्टैंड में बनाऊंगी। आप इसे तवा पे भी फैला के बना सकती हैं। अप्पे स्टैंड मैंने थोड़ा थोड़ा तेल डाला, बिल्कुल कम, इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगती है। और मैं सही इस तरह से इसे डाल दूंगी। ये इस तरह से फैला के मैं इसे गैस के लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। ये मैंने डाल दिया, मैं इसे ढक दूंगी। ढक दिया, मैं 5 मिनट हो जाने के बाद इसे चेक करके दूसरी तरफ पलट दूंगी। ये एक तरफ से हो गए थे, मैंने इसको इस तरह से पलट दिया। इसको पकने में टाइम लगता है। ये इस तरह से पूरी तरह से फूलते हैं चूंकि साबूदाना पकती है इसमें। उसके बाद इसको धीरे धीरे हम जब देखते हैं ऊपर की परत सूख गई है तो हम इसको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी फिर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। ये मैंने सारे अप्पे को पलट दिया, दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये कितनी अच्छी तरह से पक गई है। इसमें ऑयल की जरूरत नहीं होती, ऑयल ना डालें तो ये अच्छा है। थोड़ा सा नीचे लगे, इसमें बिल्कुल ही तेल नहीं लगती है और ये काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी देखिए अच्छी तरह से फूल गई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। और इसे व्रत में भी आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें प्याज नहीं डाले हैं। जैसे अच्छे से दोनों तरफ सीख गए हैं और ये मेरे साबूदाने के अप्पे बन के तैयार है। ये साबूदाने के अप्पे बन के तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे, कितने अच्छे, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। आप लोग इस तरह से बनाइएगा और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।